दोस्तों भारतीय रेलवे दिल्ली से नए नए रूटों पर लगातार नई नई ट्रेनों का संचालन करती जा रही है कि ताकि जो फेस्टिवल में लोग अपने घर आना चाहते हैं उन लोगों को लगातार ट्रेनों की सुविधा मिलता रहे और साथ में भारतीय रेलवे को भी इस मौके पर अच्छी खासी कमाई होती रहे। तो इसके लिए दिल्ली और अन्य जगहों से जो बिहार लोग आते हैं अपने फेस्टिवल सीजन में घर को, तो इसके लिए लगातार भारतीय नॉर्मल ट्रेनों का भी संचालन करती है और साथ में प्रीमियम ट्रेन का भी संचालन करती रहती है ताकि जिन लोगों को नॉर्मल ट्रेन यानी कि नॉन एसी ट्रेन में जिनको सफर करना है उन लोगों के लिए नॉर्मल ट्रेनों का संचालन भारतीय रेलवे करती है और साथ में प्रीमियम ट्रेनों का भी संचालन करती रहती है। जो लोग जिस ट्रेन में सफर करना चाहते हैं उन लोगों के लिए उन ट्रेनों की सुविधा भारतीय रेलवे लगातार प्रोवाइड करती रहती है, जिसमें आपने देखा कि भारतीय रेलवे फेस्टिवल सीजन में स्लीपर और नॉर्मल ट्रेनों का संचालन भारतीय रेलवे हर रूप से लगातार करती रहती है। इसी में एक रिपोर्ट निकल कर सामने आया था जो कि मैंने आपको कई वीडियो में बताया है कि भारतीय रेलवे वंदे भारत का संचालन भारतीय रेलवे दिल्ली से बिहार के लिए करने जा रही है। तो इसकी आधिकारिक घोषणा भारतीय रेलवे ने कर दी है। इसके फेयर के बारे में मैंने आपको नहीं बताया। कितने लोग कमेंट कर रहे थे कि भारतीय रेलवे इस जो वंदे भारत का संचालन कर रही है तो इसमें आपको फेयर कितना देने होंगे जिससे आप अपना सफर दिल्ली से बिहार के लिए वंदे भारत में कर सकते हैं, कितना ट्रेवल टाइम लगने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको फुल डिटेल जानकारी दूंगा कि अगर आप वंदे भारत से दिल्ली और बिहार का सफर करेंगे तो आपको कितना फेयर चेयर कार यानी कि सीसी का कितना भारतीय रेलवे लेने वाली है पैसा और एग्जीक्यूटिव चेयर कार का किराया आपको कितने पे करने होंगे जिससे आप दिल्ली और बिहार का सफर वंदे भारत से आप अपना पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पिछले साल भी भारतीय रेलवे ने पटना और दिल्ली के लिए वंदे भारत का संचालन किया था, जो कि कुछ दिनों के लिए इसका संचालन भारतीय रेलवे ने की और बहुत सारे लोगों ने इसका सपोर्ट भी किया इस ट्रेन के संचालन को देखते हुए, इसलिए कि भारतीय रेलवे दिल्ली से बहुत सारे प्रीमियम ट्रेनों का भी संचालन करती है और जैसे ही उसमें ज़्यादातर वेटिंग भारतीय रेलवे को दिखती है तो उस पर नई नई प्रीमियम ट्रेनों का संचालन भारतीय रेलवे करती रहती है, जिसमें आपको पहले नॉर्मल एसी ट्रेनों का भी संचालन भारतीय रेलवे करती थी लेकिन इस साल दिल्ली से बिहार के लिए भारतीय रेलवे तेजस एक्सप्रेस का भी संचालन करने जा रही है और साथ में दिल्ली से वंदे भारत चेयर कार वाली वंदे भारत का भी संचालन करने जा रही है। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिरकार भारतीय रेलवे जो वंदे भारत का संचालन करने जा रही है इसमें आपको सीसी यानी कि चेयर कार का किराया आपको कितना देने होंगे और एग्जीक्यूटिव चेयर कार का किराया आपको कितने देने होंगे जिससे आप अपना सफर को पूरा कर सकें। दोस्तों त्योहारी सीजन आते ही बिहार एक बार फिर से दिवाली और छठ का जश्न मनाने के लिए तैयार हो जाती है। नई दिल्ली से पटना जाने वाली ट्रेन में वेटिंग लिस्ट लंबी कतार हमेशा आपको देखने को मिलती है। टिकट की मारामारी के कारण लोग दुविधा में पड़ते रहते हैं कि आखिरकार वो अपने घर को कैसे जाएं। वो इस बार छठ के मौके पर घर जाएंगे। अगर आप इस दुविधा में हैं तो खबर आपके लिए ये अच्छी होने वाली है क्योंकि टिकटों की मारामारी को देखते हुए भारतीय रेलवे पहली बार वंदे भारत स्पेशल ट्रेन चलाने जा रही है। इसका उद्देश्य पटना और दिल्ली के बीच यात्रियों के लिए टिकट के लिए जारी मारामारी को कम करना है। रेलवे की ओर से जारी सर्कुलर के मुताबिक यह ट्रेन पटना से दिल्ली तक की दूरी लगभग 12 घंटे में तय कर लेगी। हालांकि इस ट्रेन में स्लीपर की सुविधा आपको नहीं मिलेगी क्योंकि ये ट्रेन चेयर कार की सुविधा वाली इस ट्रेन को भारतीय रेलवे ने डिजाइन की है। फिलहाल इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे अभी 500 से लेकर 700 किलोमीटर के दायरे में करती थी लेकिन अगर इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे दिल्ली और पटना के बीच करती है तो इस ट्रेन का ट्रेवल टाइम बढ़कर आपको 12 घंटे देखने को मिल जाएंगे और ये ट्रेन पहली बार रात में भी अपना ट्रेवलिंग पूरा करने वाली है। रेल मंत्रालय के मुताबिक यह ट्रेन आरा बक्सर दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन प्रयागराज और कानपुर में रुकेगी। यह स्पेशल ट्रेन 29 अक्टूबर को पहली बार दिल्ली से चलेगी और इसके अलावा 31 अक्टूबर 2 और 5 नवम्बर को भी इस ट्रेन को भारतीय रेलवे चलाने वाली। वहीं पटना से यह ट्रेन 30 अक्टूबर 1 और 3 नवंबर को दिल्ली के लिए प्रस्थान करे। तो भारतीय रेलवे ने इसके तारीख भी तय कर दिए हैं कि किस किस तारीख को इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे किधर से करने वाली है और किधर से इस ट्रेन का संचालन किस किस दिन को भारतीय रेलवे किस तारीख को करने वाली है वो भी जानकारी मैंने आपको दे दी है। अगर आपको इस ट्रेन में
टिकट बुकिंग करना है तो इस ट्रेन नंबर के हिसाब से आप इंडियन रेलवे के वेबसाइट पर जाकर इसकी और भी जानकारी ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको इस ट्रेन में फेयर भारतीय रेलवे दिल्ली और पटना के बीच कितना लेने वाली है। ये जानकारी सभी लोग जानना चाहते हैं क्योंकि फेयर सबसे ज्यादा अहमियत रखता है, लोगों के जेब पर कितना असर देता है और साथ में लोग इसमें सक्षम है कि नहीं इस ट्रेन में सफर करने के लिए। तो उसके बारे में अगर मैं आपको जानकारी दूं तो ट्रेन सुबह 8:25 पर दिल्ली से रवाना होगी, जो कि कानपुर, प्रयागराज और बक्सर होते हुए शाम 8:30 पर पटना पहुंचेगी। वहीं सुबह 7:30 पर पटना से प्रस्थान करेगी और शाम 7:30 पर दिल्ली आपको ले जाकर छोड़ देगी। ये रहा इस ट्रेन का टाइम टेबल जो मैंने आपको बता दी है। अब बात कर लेते हैं इस ट्रेन के फेयर। तो IRCTC के मुताबिक इस ट्रेन में टिकट की कीमतें AC चेयर कार के लिए 2275 रुपए भारतीय रेलवे ने रखी है। 2275 रुपए अगर आप पे कर देंगे तो आप इसके चेयर कार यानी कि CC चेयर कार में आप इसमें सफर पूरा कर सकते हैं। अगर एग्जीक्यूटिव चेयर कार की अगर हम बात करें तो इसमें आपको 4420 रुपए यानी कि 4220 रुपए निर्धारित की गए हैं। इस किराए में आपको मुफ्त चाय, नाश्ता और रात का खाना भी शामिल भारतीय रेलवे ने की है, ऐसा IRCTC द्वारा बताई जा रही है। फिलहाल इसमें जो पहले जानकारी शेयर की गई थी उसमें एक मीडिया रिपोर्ट में बताया गया था कि जो भारतीय रेलवे इसमें फेयर ले रही है इसमें आपको खाना इंक्लूड नहीं है, लेकिन इस फेयर में आपको खाना, नाश्ता और चाय तीनों इसमें इंक्लूड भारतीय रेलवे द्वारा जारी किया गया है, जिसमें आपको खाना, नाश्ता, चाय पूरा इसी में दिया जाएगा, आपको अलग से पैसे पे नहीं करने होंगे। तो दोस्तों, जो भारतीय रेलवे पहले दिल्ली और पटना के बीच जो नॉर्मल स्पेशल ट्रेनों का संचालन करती है उसमें आपको फेयर भारतीय रेलवे इतना नहीं लेती है, लेकिन वंदे भारत के संचालन के बाद भारतीय रेलवे इसमें 2000 से लेकर 4000 का फेयर आपसे ले रही है, जिसमें आपको खाना, नाश्ता और चाय भारतीय रेलवे प्रोवाइड तो कर रही है, लेकिन इसमें सभी लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। कम पैसे कमाते हैं उन लोगों के लिए इस वंदे भारत में सफ़र करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, लेकिन जो दिल्ली और पटना के बीच जो वंदे भारत का संचालन भारतीय रेलवे कर रही है इस फेयर के हिसाब से इसमें लोग नहीं चढ़ने वाले हैं। प्रीमियम ट्रेनों में भी इतना न ज़्यादा वेटिंग लिस्ट है कि सभी लोग इसकी भी बुकिंग खुलते ही ये भी अपना वेटिंग लिस्ट इस ट्रेन में भी आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं छठ दिवाली में अपना घर आने के लिए और लोग वहाँ पर पैसे नहीं देखते हैं कि घर जाने में 4000 या 5000 रुपये लगते हैं। सभी लोग ये चाहते हैं कि किसी तरह टिकट मिल जाए और हम अपने घर को पहुंच जाएं। तो भारतीय रेलवे भी इसी मौके की तलाश में रहती है कि टाइम पर अगर वंदे भारत का संचालन कर दिया जाता है तो लोगों को भी सुविधा मिलेगी और साथ में इंडियन रेलवे को भी अच्छी खासी कमाई इस रूट से हो जाएगी। तो दोस्तों, जो भारतीय रेलवे इस रूट स्पेशल वंदे भारत का संचालन करने जा रही है जिसकी तारीख मैंने आपको बता भी दी है, तो इस रूट पर जो वंदे भारत का संचालन भारतीय रेलवे कर रही है और इसमें जो फेयर भारतीय रेलवे लोगों से ले रही है इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसकी बुकिंग के बारे में भी लोग कमेंट में पूछ रहे थे कि भारतीय रेलवे इसकी बुकिंग कब से ओपन कर रही है, तो इसकी जानकारी अभी भारतीय रेलवे द्वारा शेयर नहीं की गई है, तो इसकी जानकारी जब भी सामने आएगी तो वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल ये भारतीय रेलवे की स्पेशल वंदे भारत है और स्पेशल वंदे भारत की बुकिंग भारतीय रेलवे 2 से लेकर 4 दिन पहले ओपन करती है, तो ये जानकारी और इसकी जानकारी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ और इसकी जानकारी जैसे ही रेलवे द्वारा शेयर की जाएगी वो भी जानकारी मैं आपके पास जरूर। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।